इंटरनेशनल टाइगर डे के अवसर पर जयपुर टाइगर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर जवाहर कला केंद्र की अलंकार गैलरी में टाइगर फोटो एग्जीबिशन लगाई गई। 3 दिवसीय एग्जीबिशन का शनिवार को उद्घाटन हुआ। फेस्टिवल के अंतर्गत देश दुनिया के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ्स की 200 से अधिक फोटो की प्रदर्शनी लगाई गई है। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने प्रदर्शनी विजिट की और बाघों की जिंदगी को करीब से देखा। पहली बार बाघों से जुड़े किसी आयोजन में VR तकनीक का प्रयोग और वन्य जीव प्रेमियों को बाघों की दुनिया में भेजा गया। इसी के साथ फेस्टिवल में लाइव टाइगर पेंटिंग, टाइगर स्टोरी, मूवी स्क्रीनिंग, पोस्टल स्टाम्प एग्जीबिशन आदि एक्टिविटी भी की जा रही है। 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे पर टाइगर टेल स्टॉक शो भी होगा। इतने बढ़िया बढ़िया उन्होंने फोटोग्राफ्स प्रदर्शित किए हैं और इनका ट्रस्ट जो है उनको इंकरेज करता है। और आज टाइगर के कंजर्वेशन के साथ साथ एनवायरनमेंट, पर्यावरण के संरक्षण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है और ये सारी एक्टिविटीज़ उसकी ओर हमें आकर्षित करती हैं। और मेरी आप सबको शुभकामनाएं। ये फेस्टिवल में मैं शुरू से जुड़ा हूँ, अभी मैं देख रहा हूँ लास्ट 3-4 साल में ये बहुत अच्छी तरह से बढ़ते जा रहा है। हमें यहाँ के जूरी भी आप देख लीजिए, इंटरनेशनल लेवल का जूरी है। मेन चीज़ है, मैं क्या देख रहा हूँ इसमें, बच्चे लोग बहुत इन्वॉल्व है, स्कूल चिल्ड्रंस आता है इसमें। और एक चीज़ है, ये जो भी फोटोग्राफ है, 200-300 फोटोग्राफ है, सब में लोगों के एक ऑलवेज टाइगर के ऊपर एक इमेजिनेशन जो होता है, टाइगर ऑलवेज अटैक्स पीपल, वो मारता है। यहाँ आप देख लीजिए इतने पॉजिटिव मोमेंट्स है, वो सब कैप्चर करके एक दिस इमेजेस और टेकिंग अ पॉजिटिव स्टोरी टू द वर्ल्ड। बट